अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे इज़ योर लेक्चर नंबर 39 एंड वी वर डिस्कसिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द लास्ट लेक्चर। हाइब्रिडाइजेशंस बेटा हमने sp2 और sp3 टाइप्स ये हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो पढ़नी थी। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं या हाइब्रिडाइजेशंस में वो टाइप्स होती हैं जहाँ पर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी तक आपको sp2 और sp3 की ये बात समझ आ गई होगी कि अगर एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर एक s दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर एक s और तीन p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो फिर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बेटा इसी तरह अगर d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशंस जो हैं वो और उस ये जो हम पढ़ चुके हैं इनके अलावा बहुत सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हाइब्रिडाइजेशंस की, ठीक है। पहले बात जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल है ये कोई अलहदा चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे एस या पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है बिल्कुल वैसे ही डी ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, सिंस द डी ऑर्बिटल्स हैव अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स शेप वी विल कंसिडर हेयर ओनली सम ऑफ द कॉमन टाइप्स। तो सारी टाइप्स आपको यहाँ नहीं पढ़ाई जा रही, जो कॉमन हैं जो थोड़ी सिंपल हैं बेसिक हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP3 हाइब्रिडाइजेशन एंड D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बेटा एक बार देखते जाएं, अगर आपके पास DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है पहली जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाइब्रिडाइजेशन में एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और दो जो है वो पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो बेटा टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 4। इसके रिजल्ट में 4 ही मलेक्युलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और हर मलेक्युलर ऑर्बिटल आपके पास DSP2 कहलाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे sp2 और sp3 में आपने पढ़ा है। अब बेटा DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वुड अकर व्हेन 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, वो pxpy भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड 1d ऑर्बिटल फ्रॉम द नेक्स्ट टू द आउटरमोस्ट शेल जो कि dx²y² होता है। पहला आपके पास जो d ऑर्बिटल है आउटरमोस्ट से अगर अंदर की तरफ आए तो फिर आपके पास dx²y² होता है। d ऑर्बिटल आपको पता है ना कि p है वो तीन तरह के होते हैं और जो d ऑर्बिटल्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं 5 में, ठीक है, उन 5ों की एनर्जी सेम होती है। अच्छा, दे मिक्स टुगेदर टू गिव 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टू द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर इन द xy प्लेन। अब बेटा जब 4 आपके पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं कि जैसे आपके पास एक स्क्वायर हो, ये देखिए अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल एटम होगा वो यहाँ पर दरमियान में, जैसे यहाँ प्लैटिनम है, और जो आपके पास आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। अब ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर आके अमोनिया जो है इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, अमोनिया की नाइट्रोजन ऑब्वियसली, ठीक है, वो इस तरह से क्या करेगी, बॉन्डिंग शो करेगी यहाँ पे, ठीक हो गई, ये बात आपको समझ आ गई होगी। सो दिस गिव्स अ स्क्वेयर प्लेनर अरेंजमेंट बिटवीन देम एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज देयरफॉर कॉल्ड स्क्वेयर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एग्जांपल्स में अगर देखें तो प्लैटिनम, ये टेट्रामोनियम जो है प्लैटिनेट या फिर टेट्रासियानो निकल का जो कम्प्लेक्स है ये आपके पास जो है स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री देता है और इसके अंदर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती है। अगला जो टाइप है आपके पास डी ऑर्बिटल्स, डी द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, उसकी है जी DSP3 हाइब्रिडाइजेशन। आगे बहुत इजी होता जाएगा आपके लिए, देखें DSP3 में क्या होगा, एक डी, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक हो गया। कितने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 5, इसका मतलब 5 ही मलेक्युलर या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने आपके पास लिख दिया हुआ है मिक्स टू गिव 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर नॉट इक्विवेलेंट एंड कंसिस्ट ऑफ 1 ग्रुप ऑफ 2 इक्विवेलेंट ऑपोजिटली। अच्छा, ये जो 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल DSP3, ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें से 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है और 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है, ठीक है, यानी 2 ग्रुप्स हो गए कि आपके पास 2 जो हैं वो ऑर्बिटल एक एनर्जी पे होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो दूसरी एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो बेटा जॉन से 2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो यहाँ पर ये वाली इस पोजीशन पे आते हैं, ये जो
ये वाली, ये सी एल वाली जो है, सी एल पी सी एल वाली जो है, और जो तीन बाकी एक जैसे हैं वो यहाँ इक्विलेटरल पोजीशन पे आते हैं। आपको याद है पीछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी में हमने पी सी एल फाइव का ज्योमेट्री पढ़ी भी थी, वहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ी थी, यहाँ पर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वी बी टी को डिस्कस कर रहे हैं, हम ज्योमेट्री साथ साथ रिकॉल ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्री इसका मतलब ये है कि वी बी टी जो है वो वेस्पर को डिनाई नहीं करता बल्कि उसे कन्फर्म कर देता है। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये दोनों जो है वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, और ये जो तीन क्लोरीन है ये सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। सो यहाँ पर यहाँ से देख लें जी, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर नॉट इक्विवेलेंट एंड कंसिस्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ टू इक्विवेलेंट ऑपोजिटली डायरेक्टेड ऑर्बिटल्स एंड अ सेकंड ग्रुप ऑफ थ्री इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। सो द फाइव sp3d, इसे sp3d भी कह सकते हैं आप या dsp3 भी कह सकते हैं, ये एक ही बात है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ अ ट्राइगोनल बायपिरामिड। कौन सी ज्योमेट्री आ गई है जी, ट्राइगोनल बायपिरामिड, एंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड ट्राइगोनल बायपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल में PCl5 है हमारे पास, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे। अब इसके अलावा जो d ऑर्बिटल में हमने ज्योमेट्री डिस्कस करनी है, दैट इज़ d2sp3 या sp3d2। इसके अंदर क्या होगा बेटा, दो d ऑर्बिटल होंगे, एक ऐसा ऑर्बिटल होगा और तीन p ऑर्बिटल्स होंगे। कितने टोटल ऑर्बिटल्स हो गए, छः। कितने मोलेकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, छः बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री आपको फौरन से जहन में आ जानी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल जो आपके पास ऑक्टाहेड्रन या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। और इसका भी बड़ा जो है वो मज़े का जो है वो आपके पास, अगर आपको याद हो वेस्पर में तो हमने पढ़ा था, इसका ज्योमेट्री बड़ी मज़े की थी। वो इस तरह से थी कि आपने स्क्वायर बना लेना है जी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, लेकिन यूँ समझ लें कि अब यहाँ पे सेंट्रल एटम से एक यहाँ पे भी जो है वो ऑर्बिटल निकल रहा है और एक यहाँ पे भी, तो एक आपके पास मोलेक्युल यहाँ पे भी लगा हुआ होगा और एक यहाँ पे भी, ठीक है। मैं अभी आगे नेक्स्ट आपको इसका दिखा देती हूँ। ये देखें SF6 की ही हमने वहाँ पे भी एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, आपके पास जो है वो ये वाली ज्योमेट्री जो है वो बन जाएगी। छः जो आपके पास फ्लोरीन के हैं एटम्स, वो इस तरह से बॉन्डेड हो जाते हैं। सो ईच sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज़ ओवरलैप्ड बाय अ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, किसका, 6 फ्लोरीन के, ठीक है। सो दे टोटल दे फॉर्म अ टोटल ऑफ 6 कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, लास्ट में एक और ज्योमेट्री भी उन्होंने दी हुई है जो कि sp3d3 है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल है, तीन डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक एस और तीन पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। टोटल आपके पास कितने हो गए, 7। तो बेटा एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं यहाँ पर, और उसके रिजल्ट में जो है आपके पास 7 जो है वो क्या बनते हैं, हाइब्रिड या फिर मोलेकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री जो है पेंटागोनल बायपिरामिडल होती है। अब पेंटागोनल क्या होता है, पेंटागोन क्या होता है बेटा, पेंटा मींस 5, जिसके 5 कॉर्नर हों। तो आपने ये यूँ सोचना है कि पहले तो आपने इस तरह की चीज़ बना लेनी है जिसके 5 कॉर्नर्स हों, ठीक हो गया, सही है। ये 5 कॉर्नर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इसके सेंटर में आपका जो भी जो सेंट्रल मेटल एटम है वो यहाँ पे है। अब आपने, जैसे मैं पहले भी आपको बताती हूँ कि आपने समझना है कि एक चीज़ इसके अंदर से जो है वो निकल रही है, ठीक है। आप पेंसिल ले लें, समझ लें, इस आयोडीन के अंदर से पास हो रहा है, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये, और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ऑर्बिटल्स इसके जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। पेंटागोनल बायपिरामिड इसको कहते हैं। सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 ऑफ देम पॉइंट टुवर्ड द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटागॉन, जबकि जो बाकी दो हैं जो कि मैंने आपसे कहा कि वो बिल्कुल अंदर से गुजर जाएंगे, समझ लें आप जैसे, तो वो आपके पास क्या होंगे, ओरिएंटेड परपेंडिकुलर, जो कि 90 डिग्री पे इससे बनेंगे बाकियों से, ठीक है। इसकी एग्जांपल में IF7 आ जाता है हमारे पास, XE यानी ज़ीनॉन F6 आ जाता है। ज़ीनॉन में आप कहेंगे कि मैम 6 फ्लोरीन लिखे हुए हैं, तो फिर ये पेंटागोन, ये आपके पास पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री कैसे होगी। बेटा ज़ीनॉन के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है, तो इस वजह से वो भी यही हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक हो गया। IF7 के मोलेक्युल की उन्होंने एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, आयोडीन के एटम की, ठीक है। उसके बाद उसमें उन्होंने आपको बताया है कि नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, ठीक है। और आपके पास जो है वो ये देखें, ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, ग्राउंड स्टेट पे ये होती है, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से आपके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के 3 डी ऑर्बिटल्स में जो है वो ये 3 डी ऑर्बिटल्स को जो है वो फिल कर देता है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ हुआ है। और उसके बाद ये आपके पास आयोडीन एटम आफ्टर एक्सेप्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 7 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। चलो ये आपके पास कंप्लीट हो गई यहाँ पे एक्सियल। अच्छा यहाँ पे ये बताया हुआ है उन्होंने एक्सियल आईएफ डिस्टेंसेज आर नॉट द सेम एज इक्वेटोरियल। ये ऑब्वियस है कि जो एक्सियल पोजीशंस पे फ्लोरीन है और जो इक्विलेटरल पोजीशंस पे फ्लोरीन है उनका आयोडीन के साथ बॉन्ड डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। एक्सियल वालों का बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इक्विलेटरल वालों का जो है वो कम होगा, इक्वेटोरियल वालों का सॉरी। और ये इन्होंने ना समराइज़ किया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर पेयर शेल दो हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास sp ओरिएंटेशन लीनियर होगी, उस केस में एंगल आपका 180 होगा, एग्जांपल दे दी है। फिर नेक्स्ट है जी आपके पास sp2 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री होगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, dsp2 है तो स्केयर प्लेनर 90 डिग्री के साथ होगी, dsp3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और अगर sp3d3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। बेटा इसको VBT को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है उसको हम समराइज कर सकते हैं कैसे, कि जो हाइब्रिडाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट दैट इन्वॉल्व्स अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोड बाय प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी, यानी कि ये वाली चीज़ ये, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहली जो पहला आपके पास स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएं अनपेयर्ड फॉर्म में। अनपेयर्ड होना ज़रूरी है वरना बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अनपेयर्ड का जो है वो अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाली। द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे टेक प्लेस बिटवीन ऑर्बिटल्स विद द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बिटवीन ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट, तो ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम हो तब भी एक्साइट हो सकता है और डिफरेंट। अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैं बता दूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n का मतलब होता है शेल, यानी कि एक ही शेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भी एक्साइट होके जा सकता है या फिर एक से दूसरे शेल में भी जा सकता है एक्साइट होके, ठीक है। ये मतलब है इसका, पहला स्टेप हो गया। सेकंड क्या है जी, द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द एक्साइटेड स्टेट आर मिक्स्ड और हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है और उसके रिजल्ट में हाइब्रिड या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तीसरा स्टेप हमारे पास है जी, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस। ये ऑब्वियस है कि जो अब आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन चुके हैं, ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, तो उनकी एक मखसूस उनकी एक खास डायरेक्शन है, एक खास पोजीशन है स्पेस में जिसके अंदर वो पाए जाते हैं, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैंने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी नहीं थी बॉन्डिंग से रिलेटेड, उसके बाद भी थ्योरीज आई हैं, उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले जो है वो लेक्चर्स में। बेटा यहाँ तक जो है ना मैं आपका थोड़ा स्टॉप करना चाह रही हूँ। आपने जितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं अभी तक, आई थिंक ये 2.5 चैप्टर हो गए हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने मुझे पहले इनका जो है ना टेस्ट देना है, ठीक है। मैं आपको डेट भी बता दूंगी टेस्ट की और आपको प्लेंटी ऑफ यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ डेज, ठीक है। तो आप उसमें जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि कॉलेज खुलने से पहले जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वो ज़रा समराइज हो जाए। इसका कोई फ़ायदा नहीं कि मैं आपको पढ़ाती रहूँ लेकिन आप जो है वो उसको इकट्ठा ना कर पाएँ, सम अप ना कर पाएँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।